traders, welcome to another session of astrology, financial and technical analysis. आज है 18 मार्च 2021 और समय है इस समय 11:46. देखिए अभी तकरीबन 10:40 पर बिजनेस टुडे के माध्यम से ये एक खबर पब्लिश हुई है. भेल शेयर राइजेस 7% आफ्टर फर्म इमर्जेस लोएस्ट बिडर फॉर NPCIL रुपीज 10,800 crore टेंडर. सो दिस इज द न्यूज एंड विच हैज केप्ट भेल एज द मेजर लीडर मार्केट लीडर पोजिशन ऑफ बींग एबल द सोल इंडियन सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रीम टर्बाइन्स. इस बिजनेस के अंदर ये सोल बिडर भी हैं और सप्लायर भी हैं और मार्केट लीडर भी हैं और इसका असर हमारे को आज शेयर बाजार पर देखने के लिए मिला. यहां पर देखिए किस तरीके से 4.88% प्राइस में जंप आने से ओपन इंटरेस्ट 55.85% बढ़ता है और वॉल्यूम शेयर्स प्रीवियस वॉल्यूम से इस समय 4,178.57% का जंप करता है, विच इज ए रिमार्केबल थिंग. तो क्या ये न्यूज बेस्ड, सिर्फ न्यूज बेस्ड है या इसके अंदर कुछ हो सकता है टेक्निकल या एस्ट्रोलॉजिकल रीजन? सबसे पहले देखते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने हमारे को कुछ समय में रिटर्न्स कैसे दिए हैं. टुडे अगर आज हम पीछे वन वीक पैटर्न्स की ओर जाते हैं तो वन वीक में जो पीछे मार्केट में मंदी रही है उसमें हमारे पास भेल 8.9% माइनस में रहा है, बट वन मंथ की रिटर्न अगर हम देखें तो इट इज 24.93 एंड वन ईयर की रिटर्न अगर हम देखें तो इट इज फिनोमिनल 114.56. की मेट्रिक्स के हिसाब से पीई रेशियो इसकी अभी नेगेटिव में है 11.89 और पीबी रेशियो भी काफी लोअर साइड पे है. प्रायर अपसाइड के ऊपर और अर्निंग ग्रोथ के ऊपर और रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर इसकी कहीं पर नेगेटिव मार्किंग है, बट looking at the policy of the government and another things coming into account, we can clearly see ki ye ek acha investment sabit ho sakta hai. This is the daily chart of BHEL aur humne dekha kis tarike se 27 rupees ke upar ye ek bahut long term angle ko support karke is samay ke upar takriban 41.78 ko bhi par karke 56.53 पर पहुंचा और इसने 49.57 पर रिट्रेस करके अपने आप को चलाना शुरू किया है और वीकली पैटर्न्स के अंदर हमें ये बात बहुत अच्छे से नजर आ रही है कि ये हमारे पास मेजर ट्रेंड लाइंस को, मेजर ट्रेंड एंगल्स को ब्रेक करके चलने की पोजीशंस के ऊपर आ रहा है. सो वी कैन सर्टेनली एनालाइज इट फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बाय एस्ट्रोलॉजी. So now let me take you to my astrology chart. The important thing is in November 2007 it made a peak of 386 and then a big fall of 131 in 2009 and in 2010-11 it again rise to 356, then again a fall of 66, then rise, then fall, and now it is coming with its crossover. What is the meaning of these levels? This is a very important level. Agar hum dekhen astrologically, to planetary, it has been always supported at Saturn Uranus, and this time also Saturn Uranus is playing a major role this year. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. तो इससे पहले कि आप भेल के अंदर अपने डिसीजंस के बारे में अपने आप को देखें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, लेट मी ब्रिंग यू टू दीज लेवल्स. इस समय के ऊपर हमने देखा कि 49.59 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये प्राइस रेस्ट करके बाउंस बैक करता है, विच इज ए मेजर इंडिकेटर. यहां पर हमारे पास नीचे एक क्रॉसओवर 50 और 100 डेज के आसपास का क्रॉसओवर होने की तैयारी के ऊपर है. देखिए दिस इज द 100 डे लेवल एंड दिस इज 50 डे लेवल. 50 डे लेवल क्रॉस होते ही जब ये हमारे पास आगे बढ़ता है तो हम इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड में रख सकते हैं. तो नाउ द लेवल्स फॉर दिस स्क्रिप इज 45 रुपीज एंड देन
54 rupees and then 63 rupees. And if any case it goes above, then it's 72 rupees. So इस ब्रेकआउट को ध्यान में रखते हुए, प्राइस वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, इन प्राइस लेवल्स के ऊपर हम लोग निश्चित ही बेल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं. डू योर ओन रिसर्च, रीड माय डिस्क्लेमर बिलो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.